हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक बात बोलना चाहूँगा कि यार, मान के चलो एक दो फ्रेंड है, ठीक है, दो दोस्त हैं और आपस में एक साथ फ्री फायर खेलना स्टार्ट किए हैं और सेम टाइप के मोबाइल्स पे खेलते हैं। वो भी 2 GB रैम में खेलता है, आप भी 2 GB रैम में खेलते हो, ठीक है, दोनों 7 GB में खेलते हो। लेकिन क्या होता है कि आपका दोस्त आपसे अच्छा हेडशॉट लगा लेता है। क्यों गाइस, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों एक साथ स्टार्ट किए हो, दोनों सेम मोबाइल्स पे खेलते हो, तो भाई यार दोनों का हेडशॉट उसी टाइप से लगना चाहिए। लेकिन आपका दोस्त आपसे अच्छा हेडशॉट कैसे लगा लेता है, यही डाउट है गाइस। तो भाई यार ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो पे हेडशॉट कैसे लगाते हैं और कैसे हेडशॉट लगाया जाए इजीली, ठीक है। 4 स्टेप पे बताऊँगा, बहुत ही स्पेशल है गाइस, खास करके उन लोगों के लिए जो हेडशॉट लगाना नहीं जानते, ठीक है, 1 टैप हेडशॉट। और कुछ यूट्यूबर्स क्या करते हैं, मैंने देखा कल की वीडियो पे, भाई यार कुछ भी बताते रहते हैं व्यूज़ पाने के लिए। भाई कि वो बता रहा था कि सेंसिविटी को 2x को इतना, रेड डॉट को इतना, 4x को इतना रखना जिससे हेडशॉट लगाना स्टार्ट हो जाएगा। वैसा कुछ भी नहीं है। कस्टम एचडी को फायर बटन को नीचे करना, स्पेस मिलेगा, कुछ भी बोलता है भाई। तो मैंने सोचा यार वो खेल रहा है बंदा, यूट्यूबर खेल रहा है आपके मोबाइल में या आप खेल रहे हो, आप जानोगे ना कि कैसे हेडशॉट लगेगा। तो भाई यार स्पेशल वीडियो है, उन लोगों को भी बोल रहा हूँ जो यूट्यूबर्स इस तरीके से बताते हैं। मैं इजीली बताऊंगा आपको, कोई छिड़कानी नहीं करनी है, सेम मैं बताऊंगा, अलग नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो बहुत ही स्पेशल है, जो भी सब्सक्राइब नहीं करे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, ठीक है। तो गाइस, 1 टैप हेडशॉट लगाने के लिए हमारा जो पहला स्टेप है वो है हाई कंट्रोल ऑन योर ऑन सेटिंग्स। मतलब कि इसका मतलब ये है कि उच्च नियंत्रण अपने ही सेटिंग पे। मतलब मैं बता दूं आपको कि अच्छे कंट्रोल करना जब सीख जाओगे अपने ही सेटिंग पे, अच्छे कंट्रोल मतलब कहीं रुकना नहीं, कहीं कुछ करना नहीं, डायरेक्ट आप हर चीज़ कर ले रहे हो, तब आप अच्छे कंट्रोल पे हो। तो अच्छे कंट्रोल के लिए करना क्या होगा, अपनी सेंसिविटी को हमेशा हाई रखो, ठीक है। अगर आप 2, 3, 4 GB तक भी खेलते हो रैम में तो आप सभी को 100 कर दो, ठीक है। ये मैं जैसे जनरल रेड डॉट 2x 4x सभी 100 पे रखा हूँ, ठीक है। मैं 8 GB पे खेलता हूँ फिर भी 100 रखा हूँ। तो इसका मतलब यही समझाना चाहता हूँ आप लोगों को कि भाई यार इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, अपने ही सेटिंग पे बस प्रैक्टिस ज़रूरत होती है और कुछ भी नहीं, ठीक है। एक बात है पहले चीज स्टेप पे कि अपने कस्टम एचयूडी को भी छेड़खानी नहीं करनी है, जिस टाइप से मेरा ये जो है कस्टम एचयूडी मेरा है, ठीक है। तो आपको अपने कस्टम एचयूडी पे खेलना है, बस ये एक चेंजेस करना होगा कि फास्ट हेडशॉट स्विच करने के लिए आप गन स्विच जो होती है ऊपर, उससे स्विच मत करो। लेफ्ट साइड जो होती है, जो गन स्विच देख सकते हो यहाँ, तो इसको आपको स्विच करनी है। इससे स्विच करने से होगा क्या कि आप हेडशॉट लगाने के बाद तुरंत बिना डैमेज खाए दौड़ सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा गाइस पहला स्टेप, बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टेप की ओर। तो गाइस यार हमारा जो दूसरा स्टेप है वो है गाइस स्पीड प्रैक्टिस ऑन योर ओन सेटिंग्स। मतलब कि आपको करना क्या है कि अपने ही सेटिंग पे उच्च नियंत्रण के साथ आपको प्रैक्टिस करना होगा। किस टाइप से प्रैक्टिस करना है मैं बता दूं कि आप लेफ्ट स्विच बटन से आप स्विच कर रहे हो, तो भाई यार उसको स्विच कैसे करना है, आपको उस ऊपर से स्विच नहीं करना है जैसे अभी कर रहा हूँ, इस तरीके से नहीं करना है, आपको लेफ्ट स्विच बटन से करना है। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, देखो गाइस, जैसे आप फायर करते हो तो तुरंत आपको इस टाइप से आपको स्विच करना है लेफ्ट स्विच बटन से, जिससे आपका इजीली, आपको जब फायर करते हो तो भाई यार स्विच बटन को दबाना है आपको, ना कि ऊपर गन बॉक्स के स्विच बटन को दबाना है। अब जब फायर करते हो तो अपने फायर बटन को छोड़ना ही मत, ठीक है, छोड़ना नहीं पड़ेगा। देखो गाइस मैं जैसे फायर बटन को नहीं छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे जैसे घुमाया, देखो गाइस मैं फायर बटन पकड़ा ही रहा हूँ लेकिन यहाँ पे स्विच कर दे रहा हूँ। और आपको अब उसके बाद क्या करना होगा कि दौड़ के जाना है और जंप करके फायर करना है, जैसे अभी कर रहा हूँ, देखो गाइस मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से आपको फायर करना है, जंप करके फायर। इस तरीके से आपको कुछ दिन प्रैक्टिस करनी होगी, कुछ घंटे, ठीक है, 1 घंटे कम से कम प्रैक्टिस कर लो इस तरीके से, जंप एंड फायर ठीक है। इस तरीके से आपको करना होगा, तब तक करना होगा जिस तरीके से आपका आदत ना हो जाए। लेफ्ट स्विच बटन से स्विच करना है, ऊपर वाले से स्विच नहीं करना है, ठीक है, ऊपर वाले गन बॉक्स से स्विच नहीं करना है। जब ये चीज़ आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा ना गाइस, तब आपका क्या होगा पता है, अभी मैं जैसे दिखा रहा हूँ इस तरीके से आप फास्ट स्पीड के साथ स्विच करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा पहला स्टेप गाइस, ये जब स्टार्ट हो जाए प्रैक्टिस होने के बाद, तब आपको क्या करना है, मैं चलता हूँ अपने तीसरे टिप्स की ओर, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा टिप, चलते हैं तीसरे टिप्स की ओर। तो गाइस हमारा जो तीसरा स्टेप है वो है जंप एंड फायर। आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि जंप एंड फायर क्या है।
आपको दौड़ के जाना है, जंप करना है एंड फायर करना है, ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी। पहले तो मैं बता दूं कि जॉयस्टिक यूज़ नहीं करनी है, जैसे मैं यहाँ जॉयस्टिक यूज़ करके फायर कर रहा हूँ उसी टाइप से, लेकिन हेडशॉट नहीं लग रही है। तो यहाँ पे जॉयस्टिक आपको कभी भी यूज़ नहीं करना है, ये बात सही बोलते हैं यूट्यूबर्स की, जॉयस्टिक यूज़ नहीं करना है। और क्या करना है मैं बता दूं, कहीं भी जैसे एम रहे आपको बस घुमाना है, स्क्रॉल गोल करके घुमाना है। देखो गाइस मैं जैसे घुमा रहा हूँ और कुछ भी नहीं रहता यार हेडशॉट में, सिर्फ प्रैक्टिस जरूरत होता है। जितना बड़े से बड़ा टिप्स एंड ट्रिक दे लो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे अच्छे से तब तक हेडशॉट नहीं लगेगा। जब आपका हेडशॉट लगना स्टार्ट हो जाए तब आपको इस टाइप से दौड़ के जाना है, जंप एंड फायर, रन जंप एंड फायर, और ऐसा फायर करना है जिस तरीके से मैं बताया हूँ, ठीक है। गोल करके घुमाना है इस टाइप से, जैसे मैं सिखाया हूँ शुरू से सेकंड स्टेप तक मैं सिखाया हूँ। ये तीसरे स्टेप पे आपको ये करना है कि आपको जंप एंड फायर, जैसे देखो मेरा गोली जो है सिर पे ही लग रहा है, ठीक है। इस तरीके से स्क्रॉलिंग करना है, कैसे घुमा रहा हूँ मैं देख लो स्लो मोशन पे। देखो गाइस यहाँ पे जैसे मैं घुमा रहा हूँ तो यहाँ पे हेड कैसे लग रहा है, यहाँ पे फायर बटन मेरा ध्यान से देखना गाइस, फायर बटन को मैं जॉयस्टिक छोड़ा, फायर को घुमा के ड्रैग, ठीक है, बस स्क्रॉल करके घुमाया और कुछ भी नहीं किया गाइस। यहाँ पे देखो गाइस घुमा के ड्रैग, यहाँ पे घुमाया बस, और स्विच बटन को लेफ्ट फायर स्विच बटन से हम यहाँ पे देखो मैं फिर से घुमाया, तो घुमाना ही बस है भाई, स्क्रॉल करना है यहाँ पे। इस देखो मेरा क्यों लग रहा है इस टाइप से हेडशॉट, भाई पास में होने पर भी हेडशॉट लग रही है, पूरे रेड नंबर लग रही है। तो यहाँ पे इस टाइप से आपका जब लगना स्टार्ट हो जाए यहाँ पे इस एनिमी, मतलब ये जो प्रैक्टिस के लिए दिया रहता है, यहाँ पे आपको तब तक प्रैक्टिस करनी होगी जब तक आपका पूरे रेड नंबर ना लग जाए। अब चलते हैं हमने चौथे टिप्स की ओर, ये है गाइस हमारा जो लास्ट टिप्स एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपका ट्रेनिंग पे आना है, फटाफट हेडशॉट लगाना है, लगेगा ही लगेगा गाइस। उस टाइप से अगर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो तो इस टाइप से हेडशॉट लगना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हेडशॉट लग कैसे रहा है वो देख लो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे हेडशॉट कैसे लग रहा है। तो गाइस यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ देख सकते हो, मैंने जॉयस्टिक पकड़ा हुआ हूँ, जब फायर करते टाइम मैं जॉयस्टिक छोड़ देता हूँ, जॉयस्टिक छोड़ते मैं स्क्रॉल करके घुमा दिया हेडशॉट। तो यहाँ पे हेडशॉट कैसे लग रहा है, बस घुमाना है, जॉयस्टिक को छोड़ना है और घुमा के इतना जल्दी मैं स्विच कर रहा हूँ कि रेड नंबर जा नहीं पा रहा है और मेरा स्विच हो जा रहा है, देख सकते हो गाइस। इस तरीके से आपको स्विच कैसे करना है, आपको बस स्क्रॉल करके स्क्रॉल करना है, ठीक है, स्क्रॉल ज़्यादा भी नहीं, जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना स्क्रॉल करो, इस तरीके से करना है। जब गाइस आप इस तरीके से मारना स्टार्ट कर दोगे आपका हेडशॉट इस टाइप से लगना स्टार्ट हो जाएगा, और बहुत तेज़ी से आप लगाना स्टार्ट कर दो ट्रेनिंग ग्राउंड पे। उसके बाद आप क्या करना कि क्लासिक मैच लगाना और उसमें सोलो वर्सेस स्क्वाड कर देना, और सोलो वर्सेस स्क्वाड पे वहाँ पे नोबड़े आए चाहे जैसे भी आए आपको उनको मारना है, ठीक है, उसी टाइप से हेडशॉट जिस तरीके से यहाँ, जब क्लासिक मैच पे आप सोलो वर्सेस स्क्वाड पे उस टाइप से मारना स्टार्ट कर दोगे इजीली, तब क्या करना है रैंक मैच में जाके आपको धोना है सबको। मैं बोल रहा हूँ बहुत ही स्पेशल ट्रिक है, आई होप आप लोग वीडियो को कुछ ना कुछ तो हेल्प हुआ होगा आपका जो हेडशॉट नहीं लगाना चाहते। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना यार, और ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ठीक है, ये ज़रूर यार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।